संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर कालाडूंगी में भी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा शोषित वर्ग उत्थान समिति ने वार्ड नंबर 2 में स्थित अंबेडकर पार्क में माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरण किया। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन एवं जयंती समारोह समिति द्वारा एक बैंकेट हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को याद किया गया। वहीं बाबा साहेब की याद में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ ही रैली भी निकाली गई। इस दौरान मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार आजाद, श्याम करण भारती, धनीराम सुंदरलाल, दीवान चंद्र आर्य, शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र वर्मा, ललित राम, जगदीश चंद्र, शेखर चंद्र, नंदन टमटा, अनिल चन्याल, अरविंद कुमार, राजेश राज आदि उपस्थित रहे। यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के निर्देशन में मोर्चा मंडल कालाडूंगी अध्यक्ष नवीन पांडे के निवास पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल महामंत्री हरीश मेहरा आदि उपस्थित रहे। हम देखिए, ये कालाडूंगी विधानसभा में पहली बार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है हमारे गंगा प्रसाद और मदन जी के माध्यम से, और ये बहुत खुशी का विषय है कि जो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है और 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर जागरूकता शिविर लगाया गया है जिसमें बाबा साहब के विचारों को बांटा जा रहा है। और मैं कहता हूँ ये इस तरह के प्रयास बार बार होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें जरूर इस अवसर पर मंथन, उसके ऊपर गहन चिंतन मनन करने का ये अवसर है।